आपने मुझे कानून के बारे में एक दो चीजें तो सिखा ही दी हैं। कितना भी खेल लो, इनका मन नहीं भरता। मैं तुम्हारे झूठे बहाने पर विश्वास नहीं करूंगी। तुम्हें सिलाई करना आता भी है या नहीं? उसकी आवाज सुनी सुनी सी है, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो इसी तरह के आर्ट स्ट्रक्चर्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका एक भी स्ट्रक्चर मिस ना हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर से। फर्स्ट स्ट्रक्चर है अ थिंग और टू। ये स्ट्रक्चर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी को बताना हो कि हम किसी टॉपिक के बारे में बहुत ज़रूरी जानकारी जो होती है, मतलब उस काम को करने के लिए वो चीज़ हमें ऑलरेडी आती है या हमने सीख ली है, ठीक है, तब हम स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है इसका, मैं तुम्हें खाना बनाने के बारे में एक दो बातें तो सिखा सकता हूँ, मतलब जरूरी जानकारी तो बता ही सकता हूँ। आई कुड टीच यू अ थिंग और टू अबाउट कुकिंग। आई कुड टीच यू अ थिंग और टू अबाउट कुकिंग। नेक्स्ट इज, आपने मुझे कानून के बारे में एक दो चीज़ें सिखा ही दी हैं। इसे आप बोलेंगे यू हैव टॉट मी अ थिंग और टू अबाउट लॉ। यू हैव टॉट मी अ थिंग और टू अबाउट लॉ। नेक्स्ट इज, उसे बागवानी के बारे में एक दो बातें तो पता है, मतलब जरूर जानकारी तो पता ही है। इसे आप बोलेंगे शी नोज अ थिंग और टू अबाउट गार्डनिंग। शी नोज अ थिंग और टू अबाउट गार्डनिंग। उन्हें समझदारी से निवेश करने के बारे में एक दो बातें पता है, मतलब जरूर जानकारी पता है। दे नो अ थिंग और टू अबाउट इन्वेस्टिंग वाइजली। दे नो अ थिंग और टू अबाउट इन्वेस्टिंग वाइजली। वाइजली मीन समझदारी से। नेक्स्ट इज, वे तुम्हें जंगल में जीवित रहने के बारे में एक दो बातें बता सकते हैं। दे कैन टेल यू अ थिंग और टू अबाउट सर्वाइविंग इन द वाइल्ड। दे कैन टेल यू अ थिंग और टू अबाउट सर्वाइविंग इन द वाइल्ड। सेकेंड स्ट्रक्चर है नो मैटर हाउ मच। कितना भी खेल लो, इनका मन नहीं भरता। नो मैटर हाउ मच दे प्ले, दे नेवर गेट टायर्ड ऑफ प्लेइंग। नो मैटर हाउ मच दे प्ले, दे नेवर गेट टायर्ड ऑफ प्लेइंग। कितना भी चिल्ला लो, वो सुनता ही नहीं है। नो मैटर हाउ मच आई शाउट एट हिम, ही जस्ट डजंट लिसन। नो मैटर हाउ मच आई शाउट एट हिम, ही जस्ट डजंट लिसन। कितना भी खा लूँ, मेरा पेट नहीं भरता। नो मैटर हाउ मच आई ईट, आई नेवर फील फुल, और यू कैन से आई फील हंग्री। नो मैटर हाउ मच आई ईट, आई फील हंग्री। नेक्स्ट इज, कितना भी पढ़ लो, कुछ याद ही नहीं रहता। इसे आप बोलेंगे नो मैटर हाउ मच आई स्टडी, आई जस्ट डोंट रिमेंबर एनीथिंग। नो मैटर हाउ मच आई स्टडी, आई जस्ट डोंट रिमेंबर एनीथिंग। कितना भी मदद कर लो, कोई भलाई नहीं देता। इसे आप बोलेंगे नो मैटर हाउ मच यू हेल्प, नो वन अप्रिशिएट्स द काइंडनेस। नो मैटर हाउ मच यू हेल्प, नो वन अप्रिशिएट्स द काइंडनेस। नेक्स्ट, ये दोनों सेंटेंसेस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हैं। मुझे भी कंप्यूटर के बारे में एक दो चीज़ें तो आती हैं। कितना भी सीख लो, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो इन दोनों सेंटेंसेस का आंसर आप लोग मुझे कमेंट से बताइए, और आगे भी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के लिए इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास डू और डज सब्जेक्ट इवन नो हाउ टू डू समथिंग। तुम्हें सिलाई करना आता भी है या नहीं? इसे आप बोलेंगे डू यू इवन नो हाउ टू स्यू और नॉट, और डू यू इवन नो स्यूइंग और नॉट। सेकेंड वाला बेस्ट रहता है, डू यू इवन नो हाउ टू स्यू और नॉट। उसे खाना पकाना आता भी है या नहीं? Does she even know how to cook food or not? Does she even know how to cook food or not? Next is, रोहन को कंप्यूटर चलाना आता भी है या नहीं? Does Rohan even know how to operate a computer or not? Does Rohan even know how to operate a computer or not? उन्हें इंग्लिश बोलनी आती भी है या नहीं? Do they even know how to speak English or not? Do they even know how to speak English or not? Next is, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है रिंग अ बेल। रिंग अ बेल का मतलब होता है जब हमें कोई चीज़ फैमिलियर साउंड करती है, या फिर किसी चीज़ की याद दिलाती है, या फिर किसी पुरानी मेमोरी की याद दिलाती है जो हमें पहचानी सी तो लगती है बट हमें डिटेल में याद नहीं होती है। तो इस स्ट्रक्चर को हमें कैसे यूज़ करना है, सेंटेंसेस के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंसेस, उसकी आवाज़ सुनी सुनी सी है लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। इसे आप बोलेंगे हिज वॉइस रिंग्स अ बेल बट आई कांट रिकॉल हिज नेम। His voice rings a bell, but I can't recall his name. क्या नाम जॉन स्मिथ से कुछ याद आता है, मतलब कोई मेमोरी ट्रिगर करती है? इसे आप बोलेंगे Does the name John Smith ring a bell? Does the name John Smith ring a bell? Next is, गाने की धुन कुछ सुनी सुनी सी है लेकिन मुझे बोल याद नहीं आ रहे हैं। The song's melody rings a bell, but I can't remember the lyrics. The song's melody rings a bell, but I can't remember the lyrics. Next is,
वह कहानी कुछ याद दिलाती है, मतलब कोई मेमोरी ट्रिगर करती है, मुझे लगता है कि मैंने इसे पहले सुना है। दैट स्टोरी रिंग्स अ बेल, आई थिंक आई हैव हर्ड इट बिफोर। दैट स्टोरी रिंग्स अ बेल, आई थिंक आई हैव हर्ड इट बिफोर। यह लोगों देखा देखा सा है लेकिन मुझे कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट से बताइए। तो चलिए आगे और स्ट्रक्चर्स भी कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बाय समथिंग। बाय का यहाँ पे मतलब होता है बिलीव, ना कि खरीदना। ओके, एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम्हें लगता है कोई उसके झूठे बहाने पर विश्वास करेगा? डू यू थिंक एनीवन विल बाय हिज एलिबाई? डू यू थिंक एनीवन विल बाय हिज एलिबाई? क्या तुम उसके जॉब छोड़ने के कारण को मानते हो, मतलब बिलीव करते हो? डू यू बाय हर रीजन फॉर क्विटिंग द जॉब? डू यू बाय हर रीजन फॉर क्विटिंग द जॉब? ओके, क्या तुम सच में विश्वास करते हो कि उसने यूएफओ देखा? डू यू रियली बाय दैट ही सॉ अ यूएफओ? डू यू रियली बाय दैट ही सॉ अ यूएफओ? मैं इस दावे पर विश्वास नहीं कर सकता कि ये सब उसने खुद किया। आई कांट बाय द क्लेम दैट ही डिड इट ऑल बाय हिमसेल्फ। आई कांट बाय द क्लेम दैट ही डिड इट ऑल बाय हिमसेल्फ। नेक्स्ट इज इन रिगार्ड टू समथिंग। बजट को लेकर हमें खर्च कम करने चाहिए। इन रिगार्ड टू बजट वी मस्ट कट कॉस्ट। इन रिगार्ड टू बजट वी मस्ट कट कॉस्ट। मेरी पढ़ाई को लेकर मेरे पापा बहुत सख्त हैं। इन रिगार्ड टू माई स्टडीज माई फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट। इन रिगार्ड टू माई स्टडीज माई फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट। कोविड को लेकर हर कोई खौफ में था। इन रिगार्ड टू कोविड एवरीवन वॉज इन अ स्टेट ऑफ फेयर। इन रिगार्ड टू कोविड एवरीवन वॉज इन अ स्टेट ऑफ फेयर। नेक्स्ट इज मेरी बहन की शादी को लेकर पापा चिंतित रहते हैं। इन रिगार्ड टू माई सिस्टर्स मैरिज माई फादर रिमेन्स वरिड। In regard to my sister's marriage, my father remains worried. Next is, can at least do something. ये next structure है. इसके example, मैं पैसे देकर तुम्हारी मदद तो कर ही सकता हूँ. I can at least help you by giving money. I can at least help you by giving money. Next is, तुम ये छोटे मोटे काम तो कर ही सकते हो घर के. You can at least do these little house chores. You can at least do these little house chores. Next is, मैं तुमसे फोन पर बात तो कर ही सकता हूँ। आई कैन एट लीस्ट टॉक टू यू ऑन द फोन। आई कैन एट लीस्ट टॉक टू यू ऑन द फोन। नेक्स्ट इज वह अपनी गलती के लिए मुझसे माफी मांग तो सकती ही है। शी कैन एट लीस्ट अपोलोजाइज टू मी फॉर हर मिस्टेक। शी कैन एट लीस्ट अपोलोजाइज टू मी फॉर हर मिस्टेक। नेक्स्ट इज तुम मीटिंग के लिए समय पर पहुंचने की कोशिश तो कर ही सकते हो। यू कैन एट लीस्ट ट्राई टू बी ऑन टाइम फॉर मीटिंग्स। You can at least try to be on time for meetings. Now let's move on to the next structure. माहिर होना या फिर उस्ताद होना, ओके? वह क्लासिकल म्यूजिक का उस्ताद या फिर क्लासिकल म्यूजिक में माहिर है। इसे आप तीन तरीके से बोल सकते हैं। He is a master of classical music. दूसरा वे है he is an expert in classical music और he is proficient in classical music. तो इन तीनों तरीके में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। Let's move on to next example. वह डिजिटल मार्केटिंग में माहिर है। इसे आप बोल सकते हैं शी इज एन एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग। शी इज एन एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग। और बाकी दो वेज आप लोग मुझे कमेंट से बताइए। वह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का उस्ताद या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग माहिर है। ही इज प्रोफिशिएंट इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ही इज प्रोफिशिएंट इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। वह सार्वजनिक भाषण में माहिर है। शी इज अ मास्टर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। शी इज अ मास्टर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। रिमेनिंग टू आप लोग मुझे कमेंट से बताइए। सो दैट वॉज ऑल। आज के स्ट्रक्चर्स आपको कैसे लगे मुझे कॉमेंट्स से जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। एंड मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा हो सके इन स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी भी नर्वसनेस खत्म हो बोलते समय। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग अगेन। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।